हेलो एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों के लिए, ये हमारे इनको लेसुए बोलते हैं, आज मैं आपको इन लेसुओं की रेसिपी बता रही हूँ। इन लेसुओं का अचार है बहुत ही बढ़िया टेस्टी होता है। और इन लेसुओं की एक ख़ास बात ये भी है कि लेसुए का अचार है वो काफ़ी ठंडा रहता है। जैसे टीट कैरी है, ये सारे अचार क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और ये लेसुए हैं काफ़ी ठंडे माने जाते हैं। इसलिए ये इसी सीजन के अंदर बाज़ार के अंदर लेसुआ कम टाइम के लिए ही आता है और इनका अचार है बहुत ही बढ़िया टेस्टी डाला जाता है। तो सबसे पहले तो इनको जब मार्केट से लाते हैं तो अच्छी तरह से धो के साफ़ करके, और ये इतने इनके ऊपर जो डंठल लगे हुए होते हैं, डंडियाँ होती है, वो तोड़ के और इनकी कैप है ये इनके ऊपर ही रखनी चाहिए। इस तरीके से इनको तोड़ के साफ़ करके धो के और मैंने इन लेसों को तैयार कर लिया है। अब ये हमारा, हमने एक भगोने में पानी लिया है और पानी के लिए गैस को हम ऑन कर देते हैं। ये पानी जब अच्छे से उबल जाएगा तब जाकर हम इन लेसों को इन पानी के अंदर थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा सा हल्का सा दबना शुरू हो जाए वहाँ तक हमें इनको बॉईल करना है। तो सबसे पहले तो ये पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, इनमें उबाल आने के बाद हम इन लेसुओं को इनके अंदर डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब ये पानी गर्म, इसके अंदर हम ये हमारे तीन हमने मसाले लिए हैं। सबसे पहले तो मैं इस पानी के अंदर गर्म पानी में हल्दी एक चम्मच के करीब है वो हल्दी डाल दूँगी, और ये सारे जो लेसुए हैं वो इस उबलते पानी के अंदर हमें डालना है। ये सारे लेसुए हैं वो इसके अंदर हम डाल के और फिर इसको 5 से 7 मिनट के लिए इनको बॉईल करना है। पूरा बॉईल नहीं करना है, 5 से 7 मिनट तक ही हमें इनको बॉईल करना है। ये सारे इनके अंदर मैंने डाल दिए हैं और खाली अभी इसके अंदर मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है और ये नमक अभी डालना है। और साथ में ये मैंने पिसी हुई राई ली है एक चम्मच, ये राई इसके अंदर डाल देनी है। अब इनको 5 से 7 मिनट तक हम इसी गर्म पानी के अंदर इसी तरीके से बॉईल होने देंगे, और बॉईल होने के बाद हमें हमें गैस को बंद कर देना है इसको ढक के, और 5 से 7 मिनट तक पानी में अच्छे से उबाल आएगा और ये उबल जाएंगे। उसके बाद हमें इनको ठंडा करना है और इसका पानी फेंकना नहीं है, इसी पानी के अंदर हमें इनको यूज़ करना है। 8 से 10 दिन तक इसी पानी के अंदर रखेंगे इसको। आप किसी भी कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन के अंदर आप इनको डाल के और 8 से 10 दिन तक, जब तक इनका अंदर से गोंद है वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक हमें इसको उसी पानी के अंदर रखना है। तो उसके बाद हम अचार की प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। ये देखिए उबल के हमारे तैयार हो गए हैं, ये बस इस टाइप के उबलने चाहिए। अब इनको हम एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल के और इनको 8 से 10 दिन तक इनको ऐसे ही रख देंगे ढक के, और ये पूरे के पूरे पानी से डूबने चाहिए, खाली ऊपर नहीं रहना चाहिए, और ढक के इसको और धूप में 8 दिन तक करीब छोड़ देंगे। उसके बाद इसका अचार है वो हम तैयार करेंगे। देखिए लेसुए ना हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम एक चलनी में निकाल के और इनको साफ़ धो के और कपड़े में सुखा देंगे, और सूखने के बाद हम इसकी अचार के आगे की प्रोसेस है वो तैयार करेंगे। इसका सीजन है वो अभी रहता है, उसके बाद इसका सीजन नहीं रहता है, थोड़े दिन ही आते हैं ये मार्केट में, इसलिए अचार डालना है तो इनको अभी ये प्रोसेस में काम में लेना होगा। इस तरीके से हम इनका अचार है वो ये पानी निकाल के फेंक देंगे, पानी का यूज़ नहीं करना है हमें। अब इनको अच्छे से साफ़ है वो धोना है।
इस तरीके से इनको धो के और तैयार करके और धूप में सुखा देना है कपड़े के ऊपर फैला के। 2 से 3 घंटे तक हम इनका थोड़ा सा पानी है, जब इनमें सलवटें भरनी शुरू हो जाएगी इनके अंदर, तब हम इनको वहाँ से उठा लेंगे और फिर अचार डालेंगे। तो इस तरीके से हमें ये तैयार करने हैं। ये देखिए हमारे सुखाने के बाद, धोने के बाद लेसों का कलर है वो चेंज हो गया है, अब इस तरीके के लेसवे हो जाते हैं ये थोड़े अलसाए हुए से। तो इससे क्या है, अचार है वो बढ़िया डलता है और काफ़ी टाइम तक आप इसको रख भी सकते हो, ख़राब नहीं होता है। अगर हम गीले लेसों का अचार तुरंत डाल लेते हैं तो वो ख़राब होने का डर रहता है। अब हमारे ये लेसवे तैयार है और अचार डालने के लिए सरसों का तेल है वो हम काम में लेते हैं। तो मैंने 1 किलो लेसवे के अंदर ये करीब 250 ग्राम के आसपास, 250 ग्राम से कम ही होगा थोड़ा सा तेल, ये 200 ग्राम तेल है वो मैंने इसमें यूज़ किया है। और अब ये तेल है वो गर्म होने के लिए हम कढ़ाई में छोड़ देते हैं। अब इसके लिए जो मैंने मसाले तैयार किए हैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये तो नमक लिया है मैंने, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, कलौंजी है, और ये मेथी दाना है, और ये हमारी सौंफ है, और ये राई है, और साथ में ये पीली सरसों है। ये मैंने अचार वाले सारे मसाले लिए हैं और इन सबको मैंने थोड़ा सा सेक के और मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड किया है, दरदरा पीस के तैयार किया है। इन तीनों सौंफ को भी मैंने सेक के और फिर पीस के तैयार कर लिया। ये मैंने पहले अपने अचार की रेसिपी में बता रखा है, हल्का सा इसको सेकते हैं और फिर थोड़ा सा मिक्सी में चला के ग्राइंड कर लेते हैं, इससे मसाला है वो बढ़िया तैयार होता है। ऐसे ही मैंने ये मेथी दाना है ये भी थोड़ा सा सेक के और फिर मैंने मिक्सी में चला लिया है, और ये हमारी पीली सरसों है ये भी मैंने मिक्सी के अंदर चला ली है। तो इन सबका हम अचार बनाने के लिए यूज़ करेंगे। साथ में मैंने हींग लिया है, तो आधी चम्मच है वो हम हींग का यूज़ करेंगे इसके अंदर। और पहले सबसे पहले अच्छा सा तेल गर्म हो जाता है, और नमक का हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमने जब इनको पानी में डाला था तब भी हमने थोड़ा सा नमक का यूज़ किया था, इसलिए इस नमक को हम थोड़े सी कम मात्रा में अपने स्वाद के अनुसार जिस तरीके से सब्जी में डालते हैं ना वैसे ही इस तेल का, नमक का हमें यूज़ करना है। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है, अब इसके अंदर हम 2 कलौंजी के दाने हैं, गर्म होने के बाद हम 2 कलौंजी के दाने हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं, और साथ में हींग है वो हम डाल देंगे। ये हींग पाउडर है ये हम इस गरम तेल के अंदर डाल के छोड़ देंगे ताकि इसकी खुशबू है वो अच्छी आ जाए। अब ये हमारा गरम तेल के अंदर सबसे पहले हमें इन लेसों को डालना है। और एक बात और है, ये मैंने कैप है वो इनकी नहीं उतारी है अभी भी, क्योंकि अगर ये उतार देते हैं तो इनके अंदर तेल है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है, इसलिए मैंने जो अपने आप उतर गई है वो तो उतर गई है, लेकिन मैंने इनको जो चिपकी हुई है उनको मैंने नहीं उतारा है। अब सबसे पहले हम इस गर्म तेल के अंतर्गत तेल को हम ठंडा नहीं करेंगे और इन लेसों को हम इसके अंदर डाल देंगे। और चम्मच से अच्छे से इनको मिला देंगे ताकि इनके अंदर थोड़ी बहुत पानी की मात्रा है वो भी इस गर्म तेल के संपर्क में आके थोड़ी सी इसकी मात्रा है वो और ख़त्म हो जाए। पहले हम 2 मिनट इन लेसों को अच्छे से कढ़ाई के अंदर इस तरीके से चला देंगे। इस तरीके से हमने इसको चला दिया है। अब कढ़ाई को नीचे उतार के और आराम से इसमें सारे मसाले हैं वो हम ऐड करते जाएंगे एक एक। सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी का कलर भी इसमें पहले से डाला हुआ है इसलिए हम 1 चम्मच है वो इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि ये गरम तेल के अंदर अच्छे से हमारी फ्राई हो जाए। इस तरीके से अब हम सारे मसाले डाल लेंगे।
एक चम्मच मैंने ये नमक है वो डाला है। मिर्ची आप किस तरीके का तीखा खाना पसंद करते हो अचार, उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाली है। और ये मैंने सौंफ है वो हमारा ये बड़ा वाला चम्मच है, ये पूरा मैंने भर के अच्छे से डाला है क्योंकि इसी का ही मसाला है वो हमारा तैयार होता है, इसलिए ये 2 चम्मच डाले हैं। आधी चम्मच के करीब है ये हमने मेथी दाना यूज़ किया है, और इतनी हमने कलौंजी है वो इसमें यूज़ की है, और पीली सरसों से अचार है काफ़ी खट्टा और सुंदर बनता है, ये भी मैंने 1 चम्मच के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया है। और फिर ये राई है ये भी हम 1 चम्मच है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिला के और तैयार कर लेंगे इस तरीके से। इस अचार की एक ख़ास बात ये है कि ये अचार सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, और साथ में घुटनों के दर्द वालों के लिए भी ये अचार है काफ़ी बेनिफिट वाला होता है। जिनमें घुटनों में दर्द रहता है तो ये लेसवा है काफ़ी काम आता है, और बुखार वगैरह हो तो भी ये लेसवे का अचार है उस व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये अचार आप घर में बड़े इजी तरीके से बना सकते हो, और काफ़ी टेस्टी होता है और सबको पसंद भी आता है, और डालने में भी कोई हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, और बढ़िया अचार है वो बनके हमारा तैयार हो जाता है। इस तरीके से हम इसको थोड़ी देर कढ़ाई के अंदर जब तक ठंडा होता है तब तक तो हम कढ़ाई में रखेंगे, और बाद में अच्छे से मिला के और इसको डब्बे में डाल देंगे, और एक दिन है वो हम इसको धूप में रख सकते हैं, और फिर आप इसको सेव करके आराम से रख सकते हो। तो आपको ये मेरी अचार की रेसिपी है कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये थोड़े समय का ही सीजन होता है, ताकि सब लोगों के पास ये रेसिपी है वो पहुँच सके और सब लोग इसी तरीके से अपना अचार है वो डाल सकते हैं। तो आप मेरी इस, अगर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से, थैंक यू।